जय श्री राम सभी लोगों को। जैसे कि आप सुन रहे हैं मनुसत्रुपा की कथा चल रही है, तो अब उसके आगे कथा सुनेंगे आप। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे आए हैं तो पूरी वीडियो देख के जाना, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक और कमेंट भी कर देना। तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी भव तरियाई ममता मत त्यागी आदि बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा ध्यान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक अस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृष के तू भरद्वाज सुने अपर भूमि राम जन्म कर ही सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यागवल्लभ जी कहते हैं हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय श्री राम।